केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर हिमाचल की राजधानी शिमला में 31 मई को राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब ऐसे में क्या पीएम नरेंद्र मोदी धर्मशाला आएंगे, इस पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि मुख्य सचिवों से पीएम नरेंद्र मोदी की कॉन्फ्रेंस धर्मशाला में प्रस्तावित है, जिसके चलते सोमवार को प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव नीति आयोग के सीईओ धर्मशाला में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे कि धर्मशाला में कॉन्फ्रेंस हो सकती है या नहीं। जानकारी के अनुसार ये कार्यक्रम 16 से 18 जून तक प्रस्तावित है। हालांकि इसके लिए अन्य स्थानों पर भी व्यवस्थाएं जांची जा रही है, लेकिन जिस तरह से अधिकारियों ने धर्मशाला का दौरा किया है, उससे एक उम्मीद की किरण जगी है कि पीएम नरेंद्र मोदी धर्मशाला आ सकते हैं। बता दें, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव व नीति आयोग के सीईओ इन दोनों अधिकारियों ने धर्मशाला में व्यवस्थाएं देखी हैं तथा पुलिस ग्राउंड का निरीक्षण भी किया है। उधर डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की मुख्य सचिवों से कॉन्फ्रेंस धर्मशाला में प्रस्तावित है। इसके लिए 16 से 18 जून तक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित शेड्यूल के तहत कॉन्फ्रेंस का आयोजन 16 से 18 जून तक होना है, जिसके चलते चीफ सेक्रेटरी और नीति आयोग के सीईओ धर्मशाला व्यवस्थाएं देखने आए थे कि यहां हो सकती है या नहीं। दोनों अधिकारियों ने विजिट किया है, इस बारे में 3-4 दिन के भीतर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, अभी जो प्रस्तावित है 16, 17 और 18 जून को ये दौरा प्रस्तावित है, और इसमें जितने भी हमारी स्टेट्स हैं पूरे कंट्री के अंदर, उनकी जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनके साथ एक रिव्यू बैठक माननीय जो प्रधानमंत्री महोदय हैं उनकी यहाँ पे होनी प्रस्तावित है। और इसी बारे में एक नीति आयोग की वेरी जो बहुत सीनियर जो टीम है, जिसके अंदर सीईओ नीति आयोग अमिताभ कांत जी और साथ में हमारे प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं श्री राम सुबक सर, वो भी उन्होंने दौरा अभी 2 दिन पहले यहाँ का धर्मशाला का किया था। और इसके अंदर जितने भी प्रस्तावित वेन्यूज हैं जहाँ पे ये इस मीटिंग को होल्ड किया जा सकता है, जिसमें पुलिस ग्राउंड, जिसमें एचपीसीए स्टेडियम और जिसमें विधानसभा के ऊपर भी जो गहनता से वहां पे जो विजिट है उसको किया गया, और उसके जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं लोकेशन के वो हाई लेवल टीम ने नोट कर लिए हैं, और वो वापस दिल्ली जाके जो कैबिनेट सेक्रेटरिएट और प्रधानमंत्री कार्यालय है उनके साथ डिस्कस करके फिर हमें 2 से 3 दिन के अंदर हमें ये सूचना मिलेगी कि क्या ये जो प्रस्तावित मीटिंग है यहाँ पे फाइनलाइज हुई है या नहीं। कांगड़ा से मिलन सिंह की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।